आप जानते हैं यहाँ पर एक देवी जी बैठी, उनका लड़का एकदम पागल जैसे था, अभी आई हुई है, उसके एकदम पागलपन ठीक हो गया। कितने ही लोग हैं यहाँ दुनिया में जिनको इससे लाभ हुआ है, जिनकी तंदुरुस्ती ठीक हो गई, क्योंकि ये सारे सात चक्रों में सारे ही देवता विराजते हैं, वो जागरूक हो जाने से उनका आशीर्वाद मिलता है। आपकी हर तरह के प्रश्न तब टूटेंगे जब आप योग में उतरेंगे। कृष्ण ने भी कहा कि योगक्षेम वाहम्यहम्। योग से पहले आप भगवान से आके कहें भगवान ये कर दो, आपका संबंध ही नहीं हो भगवान से, तो क्षेम कैसे होगा? फिर आप कहें मैं भगवान से गिड़गिड़ाता रहा, भगवान ने मेरा काम ही नहीं कर। पहले आप कनेक्शन करा लीजिए, कनेक्शन के बाद आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, फिर क्षेम, क्योंकि उनके साम्राज्य में आ गए आप, उनके नगर के वासी हो गए, तो वो आपको संभालेंगे और देखेंगे। और देखते ही यहाँ हर एक सहयोगी आपसे बताएगा, एक एक अगर आदमी लिखने जाए तो इतनी बड़ी पोथी लिख के रख सकता है कि कितने चमत्कार हुए। ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं कि लोग 80-80 फुट पर किसे गिर गए और जैसे कि किसी ने उठा लिया हो। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं, वो सब बताने बैठूं तो उसका कोई अंत नहीं। आज आपके मंदिर में परदेश से भी बहुत से लोग आ गए, ये गणेश की पूजा कर रहे हैं और ये शिव जी की पूजा कर रहे हैं और ये विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि मैंने उनसे कहा, इसलिए क्योंकि वो जान गए कि ये बात सही, वो जान गए, उनके अंदर जो चीज है उसे जान गए। उंगलियों पे आप महसूस कर सकते हैं कि आपके कौन से चक्र पकड़े हुए हैं और उन चक्रों पे कौन से देवता हैं, इसको आप जान सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कि ये देवता हैं या नहीं। इतना ही नहीं, आप लोग भी अब मोहम्मद साहब को जानेंगे, ईसा मसीह को जानेंगे, जिन्होंने जो कुछ नहीं जाना वो और जान जाएंगे, और ये लोग जितना जानते हैं आप लोग नहीं जानते। वजह यह है कि इन लोगों में हमें यह फर्क है कि हम योग भूमि में रह रहे हैं, इस भारतवर्ष की जो छत्र छाया है उसमें हम लोग पट से पार हो जाते हैं, कोई समय नहीं लगने वाला। आप सबके सब बहुत जल्दी पार हो जाएंगे, मुझे मालूम है, मैं जानती हूँ, एक क्षण भी नहीं लगने वाला, लेकिन चलने नहीं वाला हूँ, क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कदर नहीं करती। और इन लोगों पे एक एक पे मैंने तीन तीन मैंने हाथ तोड़े, तो इनको बड़ी कदर है, ये गहराई में उतर गए उसके, ये गहराई में उतर गए उसके, इन्होंने उसको बिल्कुल ब्रह्म विद्या को साक्षात कर लिया। तो जो भारतीय है, जो कि अनेक जन्मों के पुण्यों से इस भारतवर्ष में पैदा हुआ है, वो इनसे कम पड़ जाता है। और ये पुण्य आपके पास बहुत है, क्योंकि आप अपनी गहराई नहीं छू पाते। ये मैं आपसे पहले ही आगाह कर देती हूँ कि पार करने को तो मैं कर दूंगी, लेकिन आगे का आपको देखना होगा। आगे जो मेहनत है वो आपको करनी पड़ेगी, अगर नहीं करी तो जो पाया सो खो जाएगा। होता है अधिकतर, अनेक लोगों का ऐसा होता है। मैंने देखा एक साहब आए थे, बड़े चिल्लाने लगे, एक बड़ी भारी आंगन में प्रोग्राम हो रहा था, माताजी माताजी मेरे तो एकदम अंदर से आग आग निकल रही, मेरे अंदर मैं मर रहा हूँ, आप मुझे ठीक करिए, सारे बदन में इतने इतने ब्लिस्टर्स और क्या क्या है। मैं कहा अच्छा आते हैं आते हैं। बहुत लोग थे, भीड़ भाड़ को करते करते उनके पास पहुँचे, उनकी कुंडलिनी जागरूक करने से 5 मिनट के अंदर उनका सब कुछ ठीक हो गया, 5 मिनट के अंदर। वो अभी भी हैं यहाँ पर दिल्ली। उसके बाद कभी वो आए नहीं, कभी उन्हें पता नहीं करी, कुछ नहीं किया। एक दिन मैं बाजार गई थी कोई चीज़ खरीदने, वहाँ मिले, अरे एकदम से पैर छुआ, मैंने कहा कौन भाई, कहले मैं भूल गए आप, मैं कभी मुझे तो याद नहीं कौन, मुझे याद भी नहीं रहता सच बात। फिर उन्होंने बताया बात, कहले माँ मैंने आपका फोटो मेरे मोटर में भी रखा है, मैंने अपने मन में भी रखा है, मैं आपको शरणागत हूँ, ये है वो है। मैंने कहा भाई देखो, सहयोग जो है ये सामूहिक काम, अकेले का काम नहीं है कि आप घर में ले गए या जंगल में बैठ करके, उसमें नहीं, जहाँ 10 लोग बैठेंगे वहीं हम रहेंगे, और जहाँ एक अकेला सोचेगा कि माँ को हम हत्या ले तो हम हाथ आने वाले नहीं, ऐसे हमें लोग नहीं चाहिए, वो चाहिए जो सब मिल करके काम करे। और फिर एक साल बाद फिर पहुंचे कि मुझे फिर कोई तकलीफ होने लगे, मैंने कहा अब आ गए आप ठिकाने, तो कहला कि क्या माँ मुझे सजा मिली, मैंने कहा सजा नहीं मिली, जिस छत्र छाया में बैठना है उसको छोड़ के आप चले गए तो उसे वो छत्र छाया क्या करे, फिर से उस छत्र छाया में आ जा। ये सामूहिक कार्य है, और इस सामूहिक कार्य को सबको सामूहिक तरीके से करना है। अगर आप चाहें कि माँ का फोटो हम घर में ले गए और रोज हम आरती पूजा करते हैं,
तो बात मुझे मंजूर ही नहीं। सबको एक होना है, ये बहुत बड़ा सामूहिक कार्य है, सबको मिलजुल के रहना, सब भाई बहन हैं, और हैं कि नहीं वो आप उसका साक्षात करेंगे। जो लोग सहयोग में इस तरह से ब्रह्म विद्या को पाते हैं उनके बहुत से प्रश्न दूर हो गए, उनकी तंदुरुस्तियाँ ठीक हो गई, उनके मन ठीक हो गए, खानदान ठीक हो गए, आपस के रिश्तेदारियाँ ठीक हो गई हैं, और सबसे बड़ा तो उनका लक्ष्मी तत्व भी जागृत हो गया है। जिससे बहुत रईस तो कोई नहीं होता, इसमें कोई चीज़ बहुत नहीं होती, अतिशयता तो होती ही नहीं, लेकिन समृद्ध हो गए, समर्थ हो गए हैं और आनंद में रह रहे हैं और दूसरों का भला कर रहे हैं, अपने को भी ठीक रखें और दूसरों को भी ठीक रखें। सहयोग में पार होने के बाद आप लोगों की जागृति कर सकते हैं और लोगों को पार करा सकते हैं। ये शक्ति आप में, कोई भी हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, कुछ नहीं, उससे फर्क पड़ता। कौन साधु संत पढ़े लिखे थे, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये अंदर होता है। आजकल संसार में बहुत से बड़े बड़े लोग जन्म ले रहे हैं, बहुत से बड़े बड़े जीव जन्म ले रहे हैं, और ये लोग सब पैदाइशी ही पार हैं, और वो जानते हैं कुंडलिनी का शास्त्र। यहाँ भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि बचपन से कुंडलिनी शास्त्र जानते हैं। हमारे भी ये है नातिन है, और हमारे चार जितने तीन तो नातिन है और एक लड़का है, वो भी चारों की चारों पार है, और बचपन से ही ये कुंडलिनी का पूरा शास्त्र जानते हैं, उनको मालूम। छोटे छोटे बच्चे भी, बड़े छः छः महीने के बच्चे भी आपको दिखा देंगे। अभी एक लड़की लाए थे, पार है 6 महीने की, वो भी बता रही थी कौन सा चक्र पकड़ रहा है, बराबर उंगली मुंह में डालती थी और बराबर बता रही थी कौन सा चक्र। इतने ज्ञानी लोग आज पैदा हो रहे हैं, और उनको जानने के लिए पहले आपको ऐसे माँ बाप बनना चाहिए, नाना नानी या बाबा दादी बनना चाहिए कि जिससे आप उनको समझ सकें। और बहुत बड़ा काम संसार में होने वाला है, और उसकी तैयारी करें। आज यहीं तक कहूँगी, और बाद में अगर कभी मौका होगा तो कल की बात कहूंगी, जो अच्छी नहीं इतनी रहेगी, क्योंकि उसमें फिर कोई आपको समझाने वाला नहीं रहे, तो उसमें फिर आखिरी सफाई का मामला है, वो समय आने से पहले ही सब लोग पार हो जाए। जिसके लिए आपने आज तक भगवान को माना, उसका आप साक्षात करें और उसे लें, यही मुझे आप सबसे विनती है। और मैं माँ के रूप में आपको समझाती हूँ, किसी की भी बात का बुरा न माने, और इसको बुद्धि पर न बैठाएं चौखट पे कि माँ ने ऐसा क्यों कहा, माँ ने वैसा क्यों कहा। मैं एक भी बात झूठ नहीं बोलती हूँ, और मुझे आपसे कुछ भी लेने का नहीं, इलेक्शन भी जीतने का नहीं, मेरा कोई देना नहीं बन पड़ता है, बस देना ही देना है। इसलिए आप इस तरह की बेकार की बातें कभी ना सोचना कि माँ ने ऐसे क्यों कहा वैसे क्यों कहा, क्योंकि माँ को सच बोलना पड़ेगा। हालांकि बहुत मिठास से बता रही हूँ सब बात, लेकिन हो सकता है कि बुद्धि है ना, मैंने कहा हर चीज़ को पकड़ लेगी जिससे झगड़ा खड़ा करे, और यह आप ही से झगड़ा आप अपना कर रहे हैं और किसी दूसरे से नहीं, क्योंकि आपको अपनी शक्ति पानी है, आपको समर्थ होना है, और आपको अपनी आत्मा को जानना है, इसमें कोई शक नहीं। और वही कार्य है उसको, उसमें मामले में बेकार के झगड़े अपने ही से मत करें, आप अपने ही से झगड़ा मत करें। आपने पढ़ा लिखा होगा, उसको एक तरफ रख दीजिए, सारे पढ़ने लिखने से भी ऊंची जो चीज़ है आत्मा को पढ़ लेना। एक ही अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। ये प्रेम वो नहीं है कि अपने बच्चों को प्यार करो रे इसको प्यार, ये प्रेम नहीं, ये परमात्मा का प्रेम जो ब्रह्म शक्ति के रूप में आप में से बहना शुरू हो जाता है, इसे आप प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, ये चीज सब ज्ञानों से परे चीज, इसको आप पाले उसके फिर बात करें। बस ऐसे हाथ करना है, सीधे, कोई ज्यादा उसमें मुश्किल नहीं, ऐसे हाथ करके और आप आंख बंद कर लें बस। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।